दोस्तों, आज की सैर कुछ खास है। ये एक ऐसे गांव की सैर है जिसकी तारीफ में सुंदर, मनमोहक, आकर्षक, खूबसूरत ये सारे शब्द कम है। ये एक स्टोरी बुक विलेज है, या यू कहे कि परिकथा में जो गांव होते हैं वैसा ये गांव है। इसे नेदरलैंड्स का वेनिस कहते हैं और इसकी गिनती दुनिया के सबसे खूबसूरत गांव में से एक में होती है। इस गांव का नाम है गिथुन या गिथोन। यूरोप में नेदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम से 1.5 घंटे की दूरी पर एक गांव है। एम्स्टर्डम से इस गांव के लिए रोजाना कंडक्टेड टूर्स निकलते हैं। ये व्हीकल फ्री यानी कार मुक्त गांव है। इस गांव में घूमने के साधन या तो नाव या साइकिल या फिर पैदल। यहां पर एक बड़ी सी झील है और चारों ओर नहर या कैनॉल्स है। इस कैनॉल्स में 1 घंटे की कैनॉल क्रूज होती है। पर यह है कि इस गांव में सिर्फ 2800 लोग रहते हैं और हर घर मानो एक आइलैंड या टापू पर बसा है। इस गांव में 180 पुल है तो नहर को पार कर इस गांव से होकर गुजरते हैं। लगभग सभी पुल लकड़ी से बने हैं। इस गांव में इतनी शांति है कि पंछी अगर अपने पर फड़फड़ाए तो आवाज सुनाई देती है। यहाँ के घरों का डिजाइन 18वीं सदी के छप्पर वाले घरों का है। यहाँ पर घूमने के लिए साल भर में लाखों लोग आते हैं। यहाँ पर कैनॉल क्रूज के अलावा आप प्राइवेट बोट लेकर घूम सकते हैं या साइकिल या पैदल टहल सकते हो। सर्दी के दिनों में यहाँ की झील में आइस स्केटिंग होती है और कई सारे स्केटिंग प्रेमी यहाँ पर आते हैं। इस गांव में दो म्यूजियम है। खाने पीने और रहने के लिए कई सारे विकल्प मौजूद है। क्योंकि इस गांव में सड़कें ही नहीं है तो आपको कार गांव से दूर पार्क करनी पड़ती है और फिर इस गांव में प्रवेश कर सकते हो। दोस्तों, अगर आप नेदरलैंड्स में हो तो इस डच वेनिस की सैर करना ना भूले। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं। तब तक बाय बाय,
थैंक यू।